आज मैं बांझपन या बेउलादी पे बात करूंगा। इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत मुझे तब महसूस हुई जब बहुत सारे लोग इस मसले की वजह से नफ्सियाती मर्ज का शिकार होते हुए मुझे मिले। कहते हैं कि अगर शादी के बाद एक साल तक आपके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती तो आप बांझपन का शिकार हैं। इस टाइम दुनिया में 18 करोड़ से ज़्यादा मर्द और औरत बांझपन का शिकार है। लेकिन अगर शादी के 2 से 3 महीने के बाद ही आप डॉक्टर्स के पास जाना शुरू कर दें और मेडिसिन लेना शुरू कर दें या डॉक्टर देना शुरू कर दें तो ये सरासर गलत हो। बांझपन में सबसे पहला टेस्ट मर्द का किया जाता है और अगर इसमें मसला नहीं निकलता तो फिर औरत का टेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला कि मर्द इसे अपनी अना और मर्दानगी का मसला बना लेते हैं और अपना टेस्ट करवाए बगैर ही औरत को दवाई, इंजेक्शन और मेडिसिन पे लगा देते हैं और यही हमारे माशरे का अलमिया औरत को एक नफ्सियाती मरीज बना देता है। इन दवाइयों की वजह से, इन तानों की वजह से और बेशतर केसेस में जब एंड पर जाकर टेस्ट किया जाता है तो मसला हमारे मूछों वाले मर्द के अंदर निकलता है, ना कि औरत के अंदर निकल। मर्द के बाद औरत सारे टेस्ट करवाए और इसी तरीके को फॉलो करना चाहिए और औलाद से पहले ही औलाद नरीना की दुआ मांग मांग कर जिनसी तफरीक पैदा नहीं करनी चाहिए। और फिर इसके बाद अगर डॉक्टर हमल ठहराने के जदीद और हलाल तरीके मुतारफ करवाए तो उन पर अमल भी कर लेना चाहिए। याद रखें, इस सारे काम को जितनी राजदारी के साथ आप हल करेंगे आपकी आने वाली ज़िंदगी उतनी बेहतर हो।